जो, हम जो हम क्वेश्चन करेंगे, करेंगे वो हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ठीक है चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं और जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको इनकी प्रैक्टिस भी करनी है जो हम अभी सॉल्व करेंगे और जी पी वाई क्यू हैं वो देखो मैंने ये हम इन सारी को सॉल्व करने के बाद तब आपको ये एज अ टेस्ट के रूप में ये आपको ये छे सात क्वेश्चन होंगे टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ आ गई है और अपना स्कोर मुझे बता देंगे कि आपने ये पी वाई है उस अगर तैयारी करके इसका मुझे आप अपना वो बता देंगे कि रिजल्ट हमारे दस में से भाई पांच नंबर आए हैं सात आए हैं या आठ आए हैं कितने आए ठीक है पीडीएफ किस में है टेलीग्राम पे तो वहां से आप इसको मुझे बताओगे कि कितने मार्क्स आपके रहे ठीक है ये आपका टेस्ट है ठीक है पीवाई क्यू आपका टेस्ट हो जाएंगे यहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे करेंगे ठीक है टेलीग्राम पे है और मुझे अपने जो भी बच्चे देखते हैं ठीक है देखो मैं आपकी बात मानती हूँ जो भी मुझे आप बोलते हो कि अगर आप ये पी ये क्वेश्चन करा, करा, करा दो तो मैं कराती हुँ. जितनी कोशिश होती है मैं कराती हुँ. तो आप मेरी मान करो थोड़ी सी ठीक है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देंगे कि आपने इतने क्वेश्चन किए और इतना आपका सॉल्व हुआ और इतने मार्क्स आपके रहे ठीक है अभी हम सॉल्व करते हैं शुरू करते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोक्योमेट्री ऑफ एजीसीएल फॉर्मड वेन जी एनो त्रीन एक्स इज ट्रीटेड विद दी ये जो एजीसीएल है ये किससे ट्रीट किया जा रहा है मतलब ये कॉम्प्लेक्स दिया गया हमें ये पूरा कॉम्प्लेक्स ये दे रखे है एक तो ये कॉम्प्लेक्स है दूसरा कॉम्प्लेक्स हमें ये वाला दे रखा है तीसरा कॉम्प्लेक्स हमें ये दे रखा है इसमें मोल हमें बताना है ठीक है ये बोल रखा ना द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दी स्टोक्योमेट्री ऑफ एजीसीएल फॉर्मड कि कितना एजीसीएल बनने वाला है तब हम इन कॉम्प्लेक्सेस में एजी एनओ थ्री को डालते हैं तो वो हमें बताना है ठीक है तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस होते हैं बच्चों और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है इम्पोर्टेंट है ठीक है अब ध्यान से देखना अब ये जानते हैं कि भाई इस कॉम्प्लेक्स को अगर देखोगे तो ये कुछ ऐसे बनता है कि यहाँ पे एन एच थ्री और ये सिक्स टाइम हो जाता है और बाहर सीएल थ्री रहता है कितना रहता है ये बाहर आ जाएंगे सीएल थ्री तो जितने आप जो कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है उसके बाहर जितने भी आयन होते हैं मतलब जितने आप यहां CL की बात हैं, अगर यहाँ ए जी एनओ थ्री आता है, तो यहां क्या हो जाएगा? तीन आयन है ना ये तो ये क्या, क्या बन जाएगा एजीसीएल कितने एजी एनओ थ्री चाहिए तीन एजी एनओ थ्री चाहिए और प्रेसिपिटेट होके तीन मोलिक्यूल आ जाएंगे एजीसीएल के तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स में तो तीन आएंगे तो यहाँ एक दे रखा है इसको भी काट दो इन दो में तीन और तीन दे रखा है दूसरे वाले में देखो यहाँ क्या दे रखा है एक बार थोड़ा सा यहाँ जगह बना लेते हैं अब की बारी इन्होंने NH3 को फाइव टाइम कर रखा है बच्चों क्या कर रखा है NH3 को फाइव टाइम कर रखा है तो हम वो कर लेते हैं कि CO और ये NH3 ये फाइव कर दो एक CL की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 होना चाहिए और यहां पे दो आ जाएंगे जो कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो होगा उतना ही वो आयनाइज होगा तो यहाँ पे दो ही आयन है तो दो एजीसीएल के प्रेसिपिटेट आ जाएंगे दो जो एजीसीएल बनेंगे ये किसमें है इस दूसरे वाले में और नेक्स्ट वाले में एक ही प्रेसिपिटेट बनेगा एक ही आयन क्योंकि बाहर सिर्फ एक ही सीएल रहने वाला है तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा ठीक है फिर एक कोबाल्ट क्लोराइड मतलब थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट फॉर्म सेवरल ओक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद अमोनिया which one uh, of the following will not give the test for chloride ion with a silver a uh, silver nitrate at 25 degree celsius इनमें से कौन सा silver nitrate के साथ test नहीं देगा ठीक है अब ये वाला जो ऑप्शन है बच्चों देखो कैसे क्योंकि ऊपर मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए बस ये वाला एक्सप्लेन नहीं किया इसी वजह से इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या दे रखा है हमें कि भाई अगर आपके पास ऐसे है कोबाल्ट हमने यहाँ ले लिया अमोनिया ये फोर टाइम ले लिया बच्चों हमने थ्री टाइम भी है ये वाला नहीं ये वाला इसका करेक्ट होगा बच्चों ये वाला नहीं ये वाला देखो कोबाल्ट है और यहाँ पे अमोनिया तीन है ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी करनी है मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट तो थ्री रहेगी क्योंकि उसने दे रखा है कोबाल्ट थ्री में है कोबाल्ट थ्री में है और कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स रहेगा तो मैंने कोऑर्डिनेशन स्वेयर के अंदर भी कितने क्लोरीन रख लिए तीन रख लिए तो टोटल क्या हो गए सिक्स हो गया सिक्स हो गया ना तो बाहर कोई भी आयन नहीं है अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई भी आयन नहीं है तो AgNO3 थ्री के साथ आ, मतलब ए जी सी एल नहीं बनने वाला मतलब कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा ठीक है आप इस थर्ड क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो ये अपना ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी इनमें से मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी किसकी है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच्चों आपको बताना है ठीक है देखो जिसमें सबसे ज्यादा आयन होंगे उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो इसमें क्या है आप आयन गिन लो आयन क्या है ये जो आ, बाहर जो होते हैं ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के या तो यहाँ या तो यहाँ पे ये आयनाइज हो सकते हैं तो चार तो ये हो जाएंगे बच्चों चार आयन हो जाएंगे ना इसके यहाँ पे यहाँ से चार आयन आने वाले हैं और यहाँ पे ये तीन बनने वाले हैं यहाँ पे सिर्फ दो आएंगे और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई है नहीं ठीक है तो जहां पे जितने ज्यादा आयन उसकी उतनी ज्यादा क्या हो जाती है कंडक्टिविटी हो जाएगी तो यहां पे ज्यादा आयन बनेंगे तो इस पहले वाले की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी ठीक है अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है वैसे इसका जो आंसर होगा वो बहुत बेसिक सा है कोई ऐसी खतरनाक सी कोई बात नहीं है जो अभी अब हम सॉल्व कर रहे हैं उसी के बेसिस पे पूछा गया है अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट हैज़ हेज दोलिकुलर मास कंटेनिंग फाइव अमोनिया मोलिक्यूल वन नाइट्रो ग्रुप एंड क्लोरीन एटम एटम फॉर कोबाल्ट ठीक है ये उन्होंने बोल रखा है कि भाई ऐसे ऐसे है कि एक तो यहाँ पे क्या दे रखा हमें एक कोबाल्ट एटम दे रखा है और पांच अमोनिया दे रखे हैं एन एच थ्री फाइव अमोनिया दे रखी है और क्या दे रखा है हमें एनओ टू दे रखा है एक एक एनओ टू दे रखी है और साथ में दो क्लोरीन दे रखी हैं ऐसे बोल रखा है उसने फिर देखते हैं वन मोल ऑफ दिस कंपाउंड प्रोड्यूस थ्री मोल ऑफ आयन ठीक है एक मोल इसका प्रोड्यूस क्या करता है तीन मोल आयन प्रोड्यूस करता है इन एक्वल सोल्यूशन ठीक है ऑन रिएक्टिंग दिस सोल्यूशन विद एक्स AgNO3 एनओ थ्री वी गेट टू मोल्स ऑफ एजीसीएल प्रेसिपिटेट ठीक है तो यही शायद हमारा आंसर भी आ गया बच्चों यही तो रहा ये वाला ये रहा बाहर दो क्लोरीन है उसने बोला कि भाई दो एजीसीएल के प्रेसिप्रेटेट बनेंगे तो दो ही क्लोरीन बाहर है ठीक है ना और जो आयन है आप देखो दो आयन तो इसके होंगे अगर जैसे ये दो बाहर निकलते हैं तो ये भी तो आयनिक फॉर्म में आ जाएगा ना बच्चों तो दो आयन तो ये और तीसरा ये काउंट होगा तो टोटल तीन आयन होंगे यहां पे भी ऐसे ही होते हैं ये मत मानना कि यहाँ ऐसे नहीं होते यहां भी ऐसे होते हैं चार तो ये आयन और पांचवा ये ये वाला बच जाएगा ठीक है तो यहाँ टोटल पांच आयन है वैसे तो और यहाँ पे तीन इसके और एक ये कॉम्प्लेक्स हो गया तो चार आयन इसके होते हैं ठीक सीधा -सीधा तो है फिर देखो, में, of, ये जो बी एस सी वाले हैं तब बी एस सी में हमने जरूर पढ़ा था इसको आपको याद हो तो ये डायरेक्ट है ये तो कि भाई सबसे ज्यादा सी एन की होती है सीएन से ज्यादा फिर किसकी है इसमें से की है उसके बाद किसकी है बच्चों इसमें है बी आर की और देन किसकी है अमोनिया की इसमें क्या होता था अगर आपको याद हो ट्रांस इफेक्ट में होता था कि भाई जैसे अगर ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है यहाँ पे ए दे रखा है और यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं किसी दे रखा है और यहाँ पे क्लोरीन है यहाँ भी क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है तो अब इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो अमोनिया के साथ किसके साथ करा रहे हो अमोनिया के साथ तो सी एन के ट्रांस में जो भी लिगेंड होगी वो रिप्लेस हो जाएगी और यहां एनएच थ्री आ जाएगा तो यही ट्रांस इफेक्ट है कि उसके ट्रांस का उसके ट्रांस में जो भी चीज होगी वो उसको क्या कर देगा रिप्लेस कर देगा तो जिसका ज्यादा होगा अब मान लो यहाँ पे एनएच थ्री है मान लो यहाँ यहाँ तो सी एल ही मान लो ठीक है एक एग्जाम्पल और देते हैं कि यहाँ तो आप सी एल मान लो और यहाँ आपने एनएच थ्री मान लिया अब आपको यहां रिप्लेस करना है एनएच से ही ठीक है तो अब देखो ट्रांस इफेक्ट ज्यादा किसका है CN का ज्यादा है कि एनएच थ्री का ज्यादा है हमें ये पता है का ज्यादा है तो CN के ट्रांस वाला रिप्लेस होगा और यहाँ एनएच थ्री आएगा ना कि इस एन एच थ्री के जो ट्रांस में है वो रिप्लेस नहीं होगा जिसका ज्यादा ट्रांस इफेक्ट होगा उसके ट्रांस का क्या हो जाएगा वहां से रिप्लेस हो जाएगा ठीक है फिर देखो जो नेक्स्ट है आपसे क्या पूछा गया है द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल एम इन द कॉम्प्लेक्स आपसे क्या पूछा कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है और कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल एम इन द कॉम्प्लेक्स ठीक है तो वो आपको बताना है कि क्या है देखो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे मेटल का क्या है ये ऑक्सीडिट आयन होता है ये कुछ ऐसे होता है बच्चों अपना ठीक है तो दो नेगेटिव तो यहां से आ गया और एक क्लोरीन का नेगेटिव तो तीन नेगेटिव है तो तीन नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए कितना पॉजिटिव होना चाहिए तीन पॉजिटिव क्योंकि तो क्या होती है न्यूट्रल होती है तो ऑक्सीडेशन नंबर तो हमें पता लग गया प्लस थ्री होता है अब कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट थी ऑक्सीडेशन स्टेट तो प्लस थ्री है अब कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है कि कितना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो ये नहीं आप बताते कि जितने नंबर ऑफ लीगेंट है वो कोऑर्डिनेशन नंबर कभी नहीं बताता है ठीक है, है, एक लीगेन होती है ये वो बाइडेंटेट है तो दो बॉन्ड और बनाएगी तो टोटल कितने हो गए छे तो सम पूछा है ना तो सिक्स प्लस थ्री कितना हो गया नाइन तो टोटल सम पूछा गया था नाइन ऑक्सीडेशन स्टेट का और कोऑर्डिनेशन नंबर का ठीक है फिर उन्होंने पूछा है हमसे कि एनाइन ऑफ फॉर्म्स ये ये बना रखा है क्स बन रहा है यहाँ पे सीओ ए सी एसी चिलेट विद सीओ थ्री पॉजिटिव द रिंग ऑफ द चिलेट आर मतलब कितने मेंबर रिंग वहाँ पे चिलेट रिंग की बनने वाली है ठीक है तो जो एसिटाइल है बच्चो एसी एसी है वहां पे सिक्स में कैसे बनती है सिक्स रिंग बनती, बनती है और चिलेट आपको पता होना चाहिए जो रिंग फॉर्मेशन होती है और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस भी स्टेबल होते हैं जैसे सिक्स मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होगी फिर फाइव होगी ठीक है तो जो चिलेट कंपाउंड होते हैं मतलब रिंग फॉर्मेशन में तो यहाँ पे एसी एसी तब होता है तब यहाँ पे सिक्स मेंबर रिंग बनती है ठीक है फिर इनमें से आपको क्या बताना है ट्रू स्टेटमेंट आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू तो जो हो, क्या होता है बच्चों द बॉन्ड एनर्जी ऑफ एफ टू इज जो बॉन्ड एनर्जी होती है एफ टू की वो लेस होती है सीएल टू से ये क्वेश्चन बहुत बार एस्टेट में पूछा गया है कि बॉन्ड uh, एनर्जी uh, मतलब uh, डिसोशिएशन एनर्जी के उससे भी पूछा गया है ये क्वेश्चन ठीक है तो जो सी एल टू की होती है वो ज्यादा होती है कंपेरिजन टू एफ टू के यही तो बोला बॉन्ड एनर्जी ऑफ एफ टू इज लेस देन सी एल टू सी एल टू से कम होती है क्योंकि बच्चों को लगता है कि नहीं एफ टू की ज्यादा होगी कंपेरिजन टू सी एल टू के नहीं क्योंकि यहाँ रिपल्शन ज्यादा हो जाती है बच्चों ठीक है इसी वजह से तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है और ये देखो क्या है द सिलिकॉन एग्जिबिट्स फोर कोऑर्डिनेशन नंबर इन इट्स कंपाउंड तो ये कोई जरूरी बात नहीं है ठीक है तो ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है तो आपको सही बतानी थी फिर ये है फिफ्टींथ ग्रुप ओनली शो प्लस थ्री एंड प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये भी कोई जरूरी नहीं है ठीक है ना कि वो हमेशा जैसे आपने देखा है फिफ्टींथ ग्रुप मतलब ये नाइट्रोजन वाला नाइट्रोजन खुद ही देखो ना नाइट्रोजन ये वन में भी प्रेजेंट होते हैं टू में भी होते हैं थ्री में भी होते हैं फोर में भी होते हैं फाइव में भी होते हैं तो कोई जरूरी नहीं सिर्फ थ्री और फाइव में हो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है क्या है सबको क्या लगता है कि ये नंबर देख लेते हैं भाई तीन है तो तीन पे करेक्ट कर देते नहीं ये कैसी आ, लीगेंट है बाईड है तो एक लीगेंट दो बॉन्ड बना लेती है तो तीन कितने बना लेंगी छह तो उसी हिसाब से आप कोऑर्डिनेशन नंबर बताओगे ठीक है द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है और क्या बताना है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर तो सिक्स है कोऑर्डिनेशन तो नंबर मैंने अभी कहा कि ऑक्सोलेट जो होता है वो लिगेंड है तो एक दो बॉन्ड बनाएगी तो बन आ, तीन बना लेंगे छह ठीक है फिर आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कि कितनी होगी देखो यहाँ पे जो पोटेशियम है ठीक है पोटेशियम जो है वो आ, थ्री शो करने वाला है प्लस थ्री में ऑक्जोलेट तीन है बच्चों ऑक्सोलेट कितने आए हुए तीन एक ऑक्जोलेट ऐसे होता है एक ऑक्जोलेट ऐसे होता है एक ऑक्जोलेट पे दो नेगेटिव है तो तीन ऑक्जोलेट पे कितना हो जाएगा तीन ऑक्जोलेट पे माइनस सिक्स हो जाएगा प्लस थ्री तो इसने पोटेशियम ने दिखा दिया तो ये जो बच गया है प्लस थ्री वो क्रोमियम दिखाएगा तो प्लस थ्री इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग लीगेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी बाइडेंटेट इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी बाइडेंटेट लीगेंट है तो आपको पता है ऑक्जोलेट ही एक बायडेंटेट लीगेंट है ठीक है ना नॉमन क्लेचर आपको पता होना चाहिए ठीक है क्वेश्चन पूछे गए हैं नॉमन क्लेचर पे भी तो आपको आना चाहिए बाइडेंटेड मोनोडेंटेड और ये हेक्साडेंटेड कौन सी लीगेंट्स हैं तो ये सारा सब कुछ आपको आना चाहिए ठीक है हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं है ना नहीं ठीक है अब आपको क्या बताना है कि आपको नेम ही बताना है और तो क्या ही बताएंगे हम ठीक है एक मिनट बचो एक मिनट एक मिनट ये पेन पता नहीं कहाँ गुम हो जाता है दिखता भी नहीं हमको ये कॉम्प्लेक्स है इसका नाम हमको बताना है तो ये क्या है सिक्स टाइम्स है तो हेक्सा साइनो देखो अब आप पे लिखा है कुछ ऐसे हेक्सा साइनो यहाँ पे एग्जा साइनो है यहाँ भी एग्जा साइनो है यहाँ ट्राइस साइनो है तो ये तो नहीं होगा यहाँ पे भी हेक्सा साइनो फिर आगे देखते हैं कि क्या है हेक्सा ये साइनो है और साथ में आप जो आयरन है इसकी थ्री ऑक्सीडेशन है तो सब में थ्री दे रखा है तो आपको ये पता होगा इस थ्री का मतलब यहां पे क्या है बच्चों कि यहां से कोई जैसे इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे यहाँ पे सिक्स ठीक है जैसे ये यहां से जाता है पोटेशियम तीन तो यहाँ पे तीन नेगेटिव आ जाता है ठीक है इसको अगर मैं काट दू तो यहाँ पे तीन नेगेटिव आ जाएगा तो तब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ऐसी लीगेंड होती है मेटल लीगेंड जो प्रेजेंट होता है मेटल प्रेजेंट होता है तो सेंटर जो आपका एटम है जो सेंटर वाला एटम है उसपे एट वर्ड लग जाता है जैसे फेरेट हो जाएगा ठीक है तो जैसे हेक्सा कहाँ है अपना साइनो ये तो नीटो ये भी गलत है ठीक है हेक्सा साइनो आयरन ये भी गलत है हेक्सा इसने साइनो की जगह साइनाइडो लिखा है तो वो भी गलत नहीं है साइनाइडो भी हो सकता है साइनो भी यूज किया जा सकता है दोनों बातें यूज की जा सकती हैं आयन तो यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है फिर देखो क्या है आपको ये इसका नाम करेक्ट बताना है कि इसका नाम जो है कौन सा करेक्ट होगा तो देखो फ्लोरो पहले आपको किसके हिसाब से नाम रखना है आपको अल्फाबेट के हिसाब से लीगेंड्स का नाम रखना है तो डाई फ्लोरो हो जाएगा डाई फ्लोरो और ये एक खुद कॉम्प्लेक्स लीगेंड है तो इसके लिए बिस्ट्रिस ऐसे आपको नाम रखना है तो ये दो हैं तो इसको आप क्या बोलोगे इसको जैसे मैंने बोला या तो देखो फ्लोरो लिख सकते हो फ्लोराइडो लिख सकते हो आपकी मर्जी है ये दोनों गलत नहीं होंगी डाई फ्लोराइडो डाई फ्लोराइडो और फिर क्या आ जाएगा बिस इथाइलिन डाई अमीन ठीक है और फिर क्रोमियम है और जो भी कॉम्प्लेक्स के बाहर होता है उसको आप क्लोराइड लिख देते हो बच्चों ठीक है ऐसा है कहीं पे ये रहा डाइफ फ्लोराइडो बिस इथाइलिन डायमिन क्रोमियम और ये थ्री और क्लोराइड तो ये इसका आंसर करेक्ट है ठीक है इसमें फिर आपको नाम ही बताना है तो नॉर्मन क्लीचर आप कर लेंगे ऐसे ही क्वेश्चन होंगे ठीक है सारे सेम है कोई इसमें कोई में कोई तोप नहीं चलानी बिल्कुल नॉर्मल है ठीक है बच्चों बिल्कुल नॉर्मल है कोई खास नहीं है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कॉम्प्लेक्सेस ये आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है एक कॉम्प्लेक्स ये दे रखा है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों पूछे गए हैं आप तब भी वो देखोगे ना पीवाई क्यू जो दे रखे उसमें भी मिल जाएगा द कॉम्प्लेक्सेस ये आपको दे रखे हैं उसमें यह बताना कि किस तरीके का आइसोमेरिज्म है ठीक है पहले तो एक बार कॉम्प्लेक्स को बहुत ध्यान से देख लो कि ये किस तरीके का है तो देखो यहाँ कोबाल्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे क्रोमियम लिखा हुआ है कोबाल्ट के साथ यहाँ अमोनिया लिगेंड है और क्रोमियम के साथ यहाँ सी एन लीगेंड है यहाँ पे उल्टा हो गया कि कोबाल्ट के साथ तो साइनाइड तो है और क्रोमियम के साथ अमोनिया है तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं मतलब ऐसे आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जहां पे मेटल्स के बीच में कंप्लीटली लिगेंड्स का मतलब क्या हो जाता है एक्सचेंज हो जाता है तो इसको आप क्या नाम देते हो बच्चों इसको आप नाम देते हो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ठीक है फिर देखो आपको ये दे रखा है इसमें आपको क्या बताना है हाओ मैनी जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको बताना है यहाँ बना देते हैं स्ट्रक्चर कैसी होगी कि यहाँ प्लेटिनम है खुद आप गिन लीजिएगा मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ यहाँ पे और यहाँ एन स्त्री आ जाएगा यहाँ पे पीरिडीन हमने लिख दिया और साथ में यहाँ पे क्या है क्लोरीन और यहाँ क्या है बच्चों ब्रोमीन ठीक है एक स्ट्रक्चर ये बन गई फिर हमने पिरीडीन को उसी पोजिशन पे आप रख लो कि यहाँ प्लेटिनम है यहाँ पिरीडीन है और इसके साथ में यहाँ ब्रोमीन रख दिया ठीक है ब्रोमीन रख दिया और यहां पे किसको रख देते हैं क्लोरीन को और यहाँ पे रख दिया अमोनिया को ये भी स्ट्रक्चर डिफरेंट है कि पिरीडीन के पहले ट्रांस में था ब्रोमीन अब मैंने सिस में कर दिया है ठीक है तो ये अलग स्ट्रक्चर है नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी फिर आप क्या कर दो प्लेटिनम के ट्रांस में अब ये पीरिडिन के ट्रांस में क्लोरीन को ले आओ, ठीक है और यहाँ पे आप कर दो बी आर और यहाँ कर दो अमोनिया देखो पहले क्लोरीन कैसे थी सिस में थी यहाँ पे भी क्लोरीन सिस में थी अब मैंने यहाँ में ले आए ट्रांस में तो इसके तीन आइसोमर बन सकते हैं ऑप्शन आप लगा दोगे ना तीन इसका आंसर हो जाएगा फिर देखो द एग्जिस्टेंस ऑफ टू डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद ऑफ ये दे रखा है इज ड्यू टू किसकी वजह से ऐसा होने वाला है? कौन हो सा आइसोमेरिज्म मतलब यहाँ पॉसिबल है तो वो आपको बताना है ठीक है क्या क्या ऑप्शन है लिंकेज है सबसे पहले ना आप कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखा करो कि वो कैसा दे रखा है क्या पॉसिबिलिटी है ठीक है तो आपको ये पता है कि भाई चार ऐसी लिगेंड्स हैं और दो मतलब ऐसे क्लोरीन दे रखी हैं तो और ये कुछ ऐसे बन जाएगा कि भाई एन एच थ्री यहां भी मैं सिर्फ एन लिख रही हूं और यहाँ मैंने लिख दिया सीएल सीएल तो ये तो ट्रांस पॉसिबिलिटी है ठीक है ये क्या है ट्रांस है यहाँ देखो आयनाइजेशन का कोई मतलब नहीं है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का कोई मतलब नहीं है लिंकेज का कोई आए, मतलब नहीं है क्योंकि लिंकेज में तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज हो जाती है ना लिंकेज में तो आप कोई ऐसी लिगेंड मानते जैसे वही एनओ टू है वो एन से भी लिंक हो सकती है और वो ऑक्सीजन से भी लिंक हो सकती है तो ऐसी तो इसमें लिगेंड है ही नहीं ठीक है ना तो ये तो पहले ही तीनों गलत हो गए थे तो आंसर तो पहले ही निकल आया था भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्योंकि देखो एक तो ट्रांस पॉसिबल है एक यहाँ पे मैं क्लोरीन लगा दूंगी यहाँ इन्हें स्त्री पहुंचा दूंगी एक क्या हो जाएगा सिस पॉसिबल हो जाएगा तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की वजह से है ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट एक्सेप्टेड टू एग्जिबिट आइसोमेरिज्म इनमें से कौन सा जो कॉम्प्लेक्स है वो आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता ठीक है तो वो आपको बताना है इन्होंने क्या क्या दे रखा है एक तो ये वाला हमारे पास कॉम्प्लेक्स है देखो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बना के देखते हो जो ट्वेंटी थ्री दे रखा है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होता है बच्चों कैसा है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होता है और वहां पे आप कोई से स्टांस कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते हो

ठीक है देखो इसको देखें अगर आप इसमें कौन कौन से आइसोमेरिज्म होते हैं पता है आपको वैसे आप जहां पे तीन अलग अलग लीगें हो जाती हैं तो वहां पे अ किस तरीके का मतलब कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं आपको ये पता है जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनता है यहाँ पे एक तो आपको पता है फेशियल आइसोमेरिज्म बोलते हैं ठीक है और एक मेरीडियोनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं फेक और मर वो जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है यहाँ पे आप क्या नहीं बना सकते देखो पहली बात तो आप तब भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हो ना तो वहाँ आप ये मानते हो कि एक तो तब आप मिरर इमेज बनाते हो मिरर इमेज बना के आप कहते हो कि भाई ये सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए तो आप ऑप्टिकल एक्टिव बोलते हो उनको ठीक है चार डिफरेंट मतलब ऐसे सिचुएशंस uh, होनी चाहिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए तो अगर आप फेशियल में देखो तो इसमें कैसे बनाओगे आप कि भाई यहाँ मैंने NH3 लिख दिया यहाँ NH3 यहां NH3 और यहाँ पे Cl हो गया यहाँ भी Cl हो गया और एक नीचे वाले में Cl हो गया जहाँ एक साइड पे तीनों एक जैसी लीगेंड हो यहाँ भी एक साइड पे तीनों एक जैसी है है तो ये आइसोमेरिज्म होता है, और एक में भी इस नाइट्रोजन को हटा के मैं यहां लगा लगा और यहां मैंने क्लोरीन लगा दिया तो ये रेगुलर नहीं रहे नहीं रेगुलर अरे यहाँ तो आप नाइट्रोजन ही रखना और यहाँ क्लोरीन लगा दू मैं ठीक है यहाँ क्लोरीन लगा दू और यहाँ नाइट्रोजन तो देखो अब ये तीन इकट्ठे नहीं हो पाए ठीक है तो इसको मेरीडियोनल बोलती हूँ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है यहाँ पे जब तीन तीन का ग्रुप बन जाता है ये तीन ये ऐसी सेम है तीन लिगेंड यहाँ पे जोमेट्रिकल जिसको आप फैक और मर मतलब फेशियल और बोलते हो ठीक है अब इसमें भी आपको एनशियोमोफ्स बताने हैं क्या होते हैं एनशियो जैसे आप पढ़ते हो ठीक है पढ़ा होगा आपने एनशियोट्रॉपिक तो यहाँ पे आपको सिस और ट्रांस जहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है अब वो देख लेते हैं पहली बात तो एनशियो के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है आपको पता है ना क्या होते हैं कि जहां एक तो मिरर इमेज हो एक दूसरे की क्या होनी चाहिए मिरर इमेज होनी चाहिए और लाइट को क्या करते हैं वो अगर एक डी साइड है तो दूसरा एल साइड उसको रोटेट कर देगा मतलब एक राइट साइड रोटेट कर रहा है तो एक एल साइड में रोटेट कर देगा तो अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे बनेगी देखो और ये किस चीज की बना रहे हैं देखो ये तो कोऑर्डिनेशन वाले उसमें आ जाएगा तो ये तो नहीं बनने वाला और कहां पे यहां भी ऑप्टिकल एक्टिविटी की कोई भी बात नहीं है क्योंकि एनश्योमर्स के लिए आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे तो सारी कैसी लिगेंट्स हैं ये चार हो गई ऐसे दो हो गई यहां तो सिसो ट्रांस मतलब नॉर्मली पॉसिबल है और यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है जहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई क्योंकि इसको अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा भाई चारों मैंने ऐसे एन एच थ्री एनएच थ्री लगा दिए और यहाँ पे यह सी ये सीएल आ गया तो यहाँ पे तो बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई तो यहाँ तो वैसे पॉसिबल नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन आ गई कोऑर्डिनेशन स्फेयर तो सिर्फ एक ही उसमें पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे क्या आ सकती है एनएशियो मोर्फ बन सकते हैं मतलब एनएनशियो ट्रॉपिक आ सकती है ठीक है इनमें आपको बताना है कि कौन सी मतलब जो आइसोमेरिज्म है वो यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है तो यहाँ पे पहली बात तो लिंक पॉसिबल है क्योंकि बच्चों आपको बोलते। तो लिंकेज यहाँ पे, भी है, यहां पे भी है। थर्ड वाले में भी लिंकेज है इसको काट देते हैं इसमें नहीं है फोर्थ वाले में नहीं है तो इसको कट कर दो आयनाइजेशन वाले में ठीक है फिर और देखोगे तो आप इसमें क्या पॉसिबिलिटी है आप इसमें क्योंकि आयंस भी तो डिफरेंट है ना बच्चों एनओ टू वाला और सी एल वाला तो दूसरा यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है दूसरा यहाँ पे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की भी पॉसिबिलिटी है किस चीज की है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी हो जाएगी तो और किस में है ये आयनाइजेशन वाला ये रहा ठीक है तो बी वाला ही करेक्ट है क्योंकि लिंकेज दे रखा है आयनाइजेशन दे रखा है ये तो इसमें भी दे रखा है चलो पहले वाले को काटो <coughs> एक पॉसिबिलिटी और देखते हैं कि और कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है तो यहाँ पे एक किसकी वजह से आ सकता है बच्चों एक यहाँ पे जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ठीक है मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है कौन सा हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाएगी ठीक है ऑप्टिकल आएगी कि जोमेट्रिकल आएगी बच्चों ऑप्टिकल तो नहीं आ सकती नहीं नहीं ऑप्टिकल नहीं आएगी क्योंकि यहाँ आप प्लेन सिमेट्री आ जाएगी तो ऑप्टिकल नहीं आएगी आ सकती है क्योंकि ऊपर हमने ऑप्शन पहले भी देखा ना हाँ ज्योमेट्रिकल आ जाएगी बी वाला नहीं ज्योमेट्रिकल क्योंकि इससे बन जाएगा क्योंकि ये तो जैसे मैंने कहा भाई इनको तो आप एन एच फोर ऐसे रख दो एक एनओ टू यहाँ रख दो एक एनओ टू यहाँ रख दो ये तो ट्रांस हो गया फिर आप एक एन एच थ्री को उठा के यहाँ रख के और यहाँ एनओ टू को रख देना तो ये सिस फॉर्म हो जाएगी ठीक है तो यहाँ ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म और ठीक है? इनमें से आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताना है जो है है, कि इसमें एक्टिविटी कौन शो करने वाला ठीक है पूछा है ना कि ओके ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन इसमें शो करने वाला है तो वो आपको बताना है तो अगर आप इसकी देखो ट्रांस में देखो अगर ट्रांस लिखा होता है ना बच्चों, यहाँ पे सिमिट्री uh, आ जाती है तो आप उसको कट कर सकते हैं जैसे अगर मैं इसको ऐसे बनाती ना तो आप इसको ऐसे बना सकते हो ई e एन बीच में लिख दो तो, ठीक है और यहाँ ई e एन ये एन e और ये सीएल और ये सीएल यहाँ पे सिमेट्री है आप इसको कट कर सकते हो तो जहां भी सिमेट्री आएगी तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आ सकती पर सिस में ऐसा हो सकता है सिस में ऐसा हो सकता है वहां ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है क्योंकि आप इसको ऐसे बना सकते हो कि भाई सिस कैसा बनेगा यहाँ ये ई एन मैंने बना दी ठीक है और एक मैं बना दूँ, क्योंकि आप सिर्फ ओक्टा हेडल कॉम्प्लेक्स बना ले कुछ ऐसे मेटल लगा के तो मैंने एक ई एन तो यहाँ बना बना दिया ना ठीक है और सिर्फ बनानी थी तो सिर्फ एक साइड और रख लो यहां पे रख दो तो इ एन यहाँ पे और जो लीगन बच गई एनओ टू एनओ टू है वो यहाँ या क्लोरीन है क्लोरीन रख दो बस यहाँ ऑप्टिकल एक्टिविटी है क्योंकि यहाँ कोई सिमेट्री नहीं है तो थर्ड इसका जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है इनमें से भी आपको ये क्वेश्चन आपको खुद करना है मुझे बताना है इसका आंसर आपको प्रैक्टिस करके देखनी है और वैसे भी आंसर लास्ट में है तो आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने ठीक किया है कि गलत किया है क्योंकि सारे एक जैसे क्वेश्चन है बच्चों इतना ही फिर आप फिर वो सिमिलर सिमिलर हो जाएंगे फिर एक जैसे करके फायदा क्या है ठीक है और जो नेक्स्ट वाला है उसमें आपको क्या बताना है आपको आइसोमर बताने हैं कि कितने बनने वाले हैं ठीक है मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स पे कितने बनेंगे 29 में आपको बताना है कि इनमें से कौन से उसमें ठीक है जो स्ट्रक्चर दे रखी है इनमें किस में मैक्सिमम आइसोमर्स बनने वाले हैं ठीक है थीके? वैसे बड़ा क्वेश्चन एस्टिट नहीं रखता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम ही लग जाए उसमें न्यूमेरिकल हो सकता है एक दो बार के भी ऐसा आ जाए अदरवाइज ऐसा नहीं करेगा तुम्हारे साथ ठीक है फिर यही ढूंढना है कि आपको इनमें से कौन सा फोर आइसोमर्स बनाने वाला है ठीक है तो वो भी आप ढूंढ लेना ये बिल्कुल एक तरीके की क्वेश्चन है तो आप छोड़ भी सकते हैं आपकी मर्जी है ठीक है तो ये वाला पोर्शन मतलब ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक ऑर्डर बताना है आपको याद होना चाहिए सबसे ज्यादा साइनाइड की होती है ये हमें पता है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा ये भी गलत हो जाएगा फिर हमारे पास किसकी होती है ऑक्जोलेट की होती है, है? यहाँ भी ऑक्जोलेट की है फिर ये आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई जो ज्यादा होती है वो फ्लोरीन की होती है कंपेरिजन टू आइसोसाइनाइड के तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है तो ए करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन ठीक है इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन ऑफ द सेंट्रल एटम ठीक है आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है चलो पहले तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की यहाँ पे प्लस टू क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है छे नेगेटिव को प्लस फोर तो पोटेशियम ही सेटिस्फाई करा रहा है बच गया सिर्फ तो, क्योंकि नेगेटिव के लिए छह पॉजिटिव चाहिए चार पॉजिटिव तो हो गया तो आयरन कितना देगा प्लस टू देगा बच्चों डी सिक्स थ्री डी सिक्स फोर एस टू तो अगर एफ ई टू पॉजिटिव लिख रहे हो तो दो इलेक्ट्रॉन तो बाहर चले जाएंगे बच गया डी सिक्स ठीक है तो अब ये देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कराएगी तो कुछ आप ऑर्बिटल ऐसे लिखते हो ना uh, आपकी नीचे जो मतलब ऑर्बिटल होते हैं वो होता है टी टू जी और यहाँ क्या होता है ऊपर की तरफ जो होता है वो ईजी होता है टी टू जी में ट्रिपली डिजनरेट आप इसको बोलते हो तो तीन ऑर्बिटल होते हैं ऊपर दो होते हैं तो छह इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने और स्ट्रोंग फील्ड है स्ट्रॉन्ग फील्ड में इनर कॉम्प्लेक्स और लो फील्ड कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ठीक है तो एक दो तीन चार पांच और ये छे तो किस में आ जाएगा ये कहाँ पे लिखा हुआ है ये क्वेश्चन ऐसा स्टेट में पूछा गया था तो यहाँ पे आपका ये टी टू G6 और E0 तो C जो ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ठीक है अब जो यहाँ पे काम के क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे हैं तब आप पीडीएफ देखोगे क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं पर कई क्वेश्चन आपके काम के नहीं हैं तो जो मैं करा रही हूँ आपको वही करना है क्योंकि आप स्मार्ट वर्क करेंगे ना यूं तो बहुत कुछ हो जाता है तो आप जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ जो इंपोर्टेंट है या जो मैं बीच बीच में बोल रही हूँ कि आपको खुद करना है ये इम्पोर्टेंट है और जिनको मैं छोड़ रही हूँ आपको उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपके काम के नहीं है ठीक है ना तो ये चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है एल्यूमिनियम क्लोराइड इज एसिडिफाइड एक्वा फॉर्म कॉम्प्लेक्स ए इन आ, ये भी आप छोड़ सकते हैं बच्चों ये आपके काम का नहीं है अब ये क्वेश्चन आप देखो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सी एफ एस फोर दी ये आपको दे रखा है मतलब ओक्ट्राहाइड कॉम्प्लेक्स की इतनी एनर्जी दे रखी है आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की निकालनी है तो आपको ये आ, ऑर्डर मतलब पता होना चाहिए रिलेशन पता होना चाहिए कि जो होता है अपने पास वो होता है टेट्राइड्रल की एनर्जी इज इक्वल टू फोर बाई नाइन ऑफ टेट्राहेड्रल एनर्जी तो यहाँ पे डेल्टा टी ही निकालना है अपने को फोर बाई नाइन और ये एनर्जी दे रखी है लिख लो एट जीरो 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 तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो आठ हजार आ जाएगा क्योंकि इसे कट जाएगा ठीक है तो आठ हजार इसका आंसर आ जाएगा ज्योमेट्री द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दी कॉम्प्लेक्स ये आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है और आपको इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है निकल कितना होता है बच्चों होता है वो लिख लो निकल ट्वेंटी कन्फिग्रेशन क्या लिख दोगे थ्री डी एट फोर एस टू और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्योंकि कार्बोनिल तो न्यूट्रल लिगेंड होता है तो उसमें तो कोई चेंज नहीं है और सीओ एक स्ट्रॉन्ग फिल्ड लीगेंड है तो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो पेन तो गया अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो तो वो आप करो कि कितने फिल करने हैं हमको फील्ड लिगेंड है तो इसको भी पेयरिंग करा देगी इसको भी अंदर भेजेगी तो देखो ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और एस में भी दो इलेक्ट्रॉन है तो दो जो एस वाले इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ जम्प कर दिए जाएंगे तो देखो यहाँ एस है और पी के यहाँ ऑर्बिटल और होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं तो डायमैग्नेटिक है तो टेट्राहेड्रल sp3 ज्योमेट्री किसकी होती है टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल और डायमैग्नेटिक है ठीक है आ गया होगा ना बच्चों समझ में आसान है करेक्ट अब आपको बताना है ये क्वेश्चन भी बच्चों इंपॉर्टेंट है ये वाला ठीक है ये आपको बहुत ध्यान से करना है करेक्ट

एनर्जी और वेवलेंथ का अगर एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या हो जाती है बच्चों घट जाती है लेमडा क्या हो जाएगी घट जाएगी तो इन्होंने पूछा क्या है कि ज्यादा इसकी एनर्जी ज्यादा तो मतलब इसका लेमडा कम है ऐसा कहाँ पे दे रखा है देखो सबसे ज्यादा इसका दे रखा है ये ऑर्डर में ही दे रखे हैं कि भाई सबसे ज्यादा इधर इन्होंने वो लगा नहीं रखा वैसे है ना कि भाई पहले या ज्यादा कम ज्यादा वो लिखा नहीं हुआ हमें ठीक है पर वैसे हम बता देंगे कि जो ज्यादा मतलब वेवलेंथ जो हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी पानी की हो जाएगी फिर अमोनिया की और सबसे कम किसकी हो जाएगी बच्चों एन की हो जाएगी ठीक है से आपको पता लग गया होगा स्प्लिटिंग एनर्जी से हमने ऑर्डर निकाला है इनमें से आपको बताना है कि ये आपको एक मेटल दे रखा है साइनाइड इसमें लिगेंड है इसमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है और उसकी ज्योमेट्री बतानी है आपको एमएन है एम एन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है प्लस थ्री में है बच्चों प्लस थ्री में है और फिर आपको ये बताना है कि एम में कॉन्फ़िगरेशन होते डी फाइव फोर एस टू तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो यहां से और एक यहां से क्योंकि थ्री में है ना तो बच गया डी फोर डी फोर है तो बनाओ एक इलेक्ट्रॉन दो तीन और ये चार चार इलेक्ट्रॉन आ गए अब ये किस तरीके की लीकेंड है ये यहाँ पे पेयरिंग करा देगी तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा दूसरा यहाँ आ जाएगा तो ये ऑर्बिटल कैसे बच जाएंगे बच्चों हमारे पास खाली बच जाएंगे मतलब तब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड आ जाती है तब भी क्या आ जाती है हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड आती है तो पहली बात तो यही सोचनी है भाई इनर कॉम्प्लेक्स बनने वाला है कैसा बनने वाला है इनर कॉम्प्लेक्स बनने वाला है तो जो हाइब्राइजेशन आपके पास बच जाएगी ठीक है तो वो क्या बच जाएगी डी टू एस पी थ्री क्योंकि इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा ना क्योंकि वो पेयरिंग करा देगा क्या करा देगा पेयरिंग वो करा देगा ठीक है तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि हमने चार इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं बस ये दो ऑर्बिटल छोड़ देना डी टू एस पी थ्री हो जाएगी फिर ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है भाई तो ये डी कौन कौन से ऑर्बिटल हैं तो ये होता है एक डी जेड स्क्वेयर और एक डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र जो ये डी इन्वॉल्व होते हैं ना ऑक्टाहेड्रल में ये डी एक्स स्क् माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर होते हैं ठीक है ये आपको नहीं करना ये जो फोर्टी वन वाला क्वेश्चन है ये आपको नहीं करना है ठीक है इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपको बतानी है निकल साइनाइड वाले में ठीक है कोबाल्ट वाला भी हमने कोबाल्ट वाला नहीं वो निकल uh, सीओ वाला भी हमने किया था आपको इसमें निकाल के बतानी है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी उसमें हमने क्या निकाली थी उसमें एसपी थ्री निकाली थी मतलब वो टेट्रा हेड्रल में था अगर इसकी आप निकाल के देखेंगे तो बच्चों यहाँ डीएसपी टू आएगी देखो कैसे आएगी वो भी देखते हैं साइनाइड है कोई चार्ज यहाँ पे है यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे दो नेगेटिव लिखा हुआ है तो एन आई सी एन ये निकल वैसे क्या कंफिग्रेशन होती है इसकी होती है डी एट फोर एस टू डी एट फोर एस टू अब ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई इसकी टू क्योंकि यहाँ पे दो नेगेटिव है टोटल चार नेगेटिव था इस नेगेटिव का मैंने मतलब अभी आपको समझाया ना कि इस नेगेटिव का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे कोई मेटल रहा होगा जो खुद प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा होगा तो ऑल ओवर निकल का कितना बच गया प्लस टू में तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो आठ बज गए और ये सी एन कैसी है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग कराएगी तो पहली तो हम आठ इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पेयर कर दो तो एक ऑर्बिटल तो ये बच गया डी वाला फिर यहाँ एस वाला होगा और यहाँ पी के होंगे कितने इलिगेंट्स को आना है चार को आना है कितने को आना बच्चों चार को तो एक ऑर्बिटल तो ये खाली हो गया एक ये रहा और दो ये हो जाएंगे ठीक है ना तो कन्फिग्रेशन क्या आ गई डी एस पी टू ठीक है तो ऐसा कहां पे है ये रहा ठीक है इनमें बताना है जीरो क्रिस्टल फील्ड जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है सी एफ एस सी है वो जीरो किसकी होगी ठीक है तो आप ये देखो पहले तो आप सब में पानी दे रखा है मतलब वीक फील्ड लिगेंड है पानी ठीक है मैं आपको डायरेक्ट क्योंकि आपको तो वैसे सारे निकालने पड़ेंगे वाला देखो एक भाई, स्टेट में है, ये तो न्यूट्रल लिगेंड, तो लिगेंड है तो जो भी चार्ज यहाँ पे लिखा होता है वही ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है तो आयरन है प्लस थ्री में ऑक्सीड ये होती है डी सिक्स फोर एस्ट टू थ्री डी सिक्स फोर एस टू तो तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो एक यहाँ से गया और दो यहां से गए एक यहां से गया d5 में आ गया तो d5 भरो एक बार आप तो d5 में आप कस्टर फील्ड स्टेबिलाईन एनर्जी आप निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन आप भर दो वन टू और ये थ्री और ये वीक फील्ड लिगेंट है एस टू तो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाएंगे eg में तो ये पांच हो गए तो यहां आपको जान आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या एनर्जी रहती है ये रहती है जीरो पॉइंट फोर इन में आप इलेक्ट्रॉन कितने हैं तीन हैं ये नेगेटिव में होते हैं यहाँ पे क्या है जीरो पॉइंट सिक्स होते हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं दो तो कितने आ गई यहाँ पे अपनी आ गई वन पॉइंट टू और ये कितनी आ गई माइनस वन पॉइंट टू तो ये कैंसिल हो जाएंगी आपस में एक प्लस की एक माइनस की तो जीरो सी एफ एस सी तो बी वाले जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है मैग्नेटिक मोमेंट आपको बतानी है किसकी 1.73 है 1.73 सीधा मतलब समझ जाओ कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अगर किसी ने 2.83 लिखा हुआ है तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी ने लिखा हुआ है कि भाई फाइव पॉइंट है या किसी ने लिखा हुआ है 5.9 है तो समझ जाओ जितना भी ये पॉइंट से पहले जो नंबर है उतने ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो किसी में आप देखो किसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता होगा कोबाल्ट तब प्लस टू स्टेट में होता है क्योंकि कोबाल्ट है डी टेन 4S1, D10 4S1, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर आप बाहर निकाल रहे हो एक आ, दो इलेक्ट्रॉन सॉरी नोट एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है ना तो एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन से D9, तो एक इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है तो उसी का मैग्नेटिक मोमेंट वन पॉइंट सेवन थ्री होगा तो ये क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट हो सकते हैं ठीक है थीके? फिर आपसे पूछा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर हाई स्पिन डी फोर आपको क्या बतानी है सी एफ एस सी निकाल के बतानी है तो देखो आपको डी फोर हाई स्पिन है डी फोर हाई स्पिन मतलब पहले टी टू जी लिखो यहाँ नीचे और ऊपर ई जी लिखो हाई स्पिन है तो एक दो तीन और ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा लो स्पिन होता तो नीचे ही भरे जाते तो यहाँ पे क्या होता है माइनस जीरो पॉइंट फोर इंटू में कितने इलेक्ट्रॉन है तीन इलेक्ट्रॉन है ऊपर जीरो पॉइंट सिक्स एनर्जी होती है और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये कितना हो गया माइनस में वन पॉइंट टू और ऊपर में ऊपर कितना है जीरो पॉइंट सिक्स वो प्लस में है तो आंसर आपके पास कितना बच बच गया गया बच्चों ये बच्च आपके पास का, तो ये एनर्जी का है कौन सा पैरामैग्नेटिक मतलब जिसमें आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें आपको मिलेंगे वही कैसा हो जाएगा वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा जैसे अगर आप इसमें देखोगे तो कोबाल्ट बी आर फोर टू नेगेटिव जो है वो कैसा है बच्चों यहाँ पे उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है कैसे वो भी बता देते हैं कोबाल्ट पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कोबाल्ट की कितनी है कोबाल्ट की यहाँ पे प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट वैसे होता कितना है कोबाल्ट में आप डी सेवन कितना होता है थ्री डी सेवन फोर एस टू तो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन तो बाहर चले गए सात इलेक्ट्रॉन है सात इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे तो कैसे आएंगे देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यही वाला कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक इनमें यह बताना है डाय मैग्नेटिक कौन सा कॉम्प्लेक्स है आपके पास ठीक है तो अगर आप देखो इसको कोबाल्ट एफ थ्री नेगेटिव यहाँ पे थ्री पॉजिटिव में है कोबाल्ट कोबाल्ट वैसे क्या होता है डी सेवन कोबाल्ट डी uh, सेवन और फोरेस्ट टू तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे डाय मैग्नेटिक बताना है ना हमको तो हम क्या बताना है फिर पैरा मैग्नेटिक बताना है हमें डाय मैग्नेटिक बताना है फोर्टी सेवन डाय मैग्नेटिक बताना है तो इसमें देखो वीक फील्ड फिल्डिगेन होंगी तब वो पेयरिंग नहीं करा सकती तो इसका मतलब वहां तो वो पैरा मैग्नेटिक रखेंगी ही उसको तो ये हैं दोनों जिसमें स्ट्रांग फील्डिगेन है तो अगर निकल वाले को एक बार देखें तो निकल कितना होता है वैसे बच्चों ये होता है डी एट और फॉरेस्ट टू ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे निकल की यहाँ पे प्लस टू में है किसमें है प्लस टू में तो देखो डी एट आपको भरना है एक दो तीन चार तो इलेक्ट्रॉन भरो एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ एक कैसे आठ इलेक्ट्रॉन भरे मैंने एक बार यहाँ भर लेते हैं बच्चों आठ इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ भरने हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है साइनाइड तो ये क्या करा देगी इस इलेक्ट्रॉन को उठा उठाकर यहाँ अप करा देगी तो इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ठीक है साइनाइड पेयरिंग कराती है ये चीज आपको ध्यान रखनी है ठीक है फिर है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आउटर है इनर नहीं है आउटर का मतलब क्या है वीक फील्ड लिगेंड होगी और पैरा मैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है तो अब देखो आ, सारी एन एच थ्री है ठीक है पर कोबाल्ट तब थ्री पॉजिटिव में होता है कोबाल तब थ्री पॉजिटिव में होता है और उसके साथ एन एच थ्री होती है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड के जैसे बिहेव करती है ठीक है ये बात समझ में आएगी आपको तो ये तो ऑप्शन आपका वैसे ही गलत हो जाता है तो इसमें अगर आप देखो निकल और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में बचो प्लस टू में है ठीक है प्लस टू में है तो आपका डी एट होता है ना फोरेस्ट टू तो आप कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो आप दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो डी बच गया आपके पास ठीक है डी अमोनिया पेयरिंग नहीं कराएगी तो नॉर्मल सी बात है आप आठ इलेक्ट्रॉन भरोगे तो दो आपके पास कैसे बच जाएंगे ज्यादा तो नहीं भर भरती हमने तीन दो पांच ठीक है ये छह सात और आठ तो दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं तो ये पैरामैग्नेटिक होगा और आउटर कॉम्प्लेक्स बनने वाला है ठीक है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेगा तो 48 का हमने क्या किया ये ए और पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि आप जिंक वाला निकालोगे ना बच्चों ये आ, जिंक क्योंकि डी टेन है तो ये डायमैग्नेटिक है तो ये आंसर आपका हो नहीं सकता ये ये वाला जो है आपका कहा गया ये इनर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेगा तब आप बना के देखोगे इनर बनेगा आउटर में नहीं बनने वाला तो इसी वजह से ये भी आंसर नहीं होगा ये वाला भी आप छोड़ सकते हो ठीक है आसान है वैसे कोई मुश्किल नहीं है पर आप इसको छोड़ सकते हो ये नहीं पूछे जाएंगे ठीक है ये देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रेड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड वेन इथेनॉल सोल्यूशन ऑफ डाई मिथाइल ग्लायोगाइम इज एडेड टू द अमोनिकल निकल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू कौन सी करेक्ट नहीं है इसने पूछा रेड कॉम्प्लेक्स हैज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बिल्कुल जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनने वाला है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में बनने वाला है तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है जो आप निकल डीएमजी बनाते हैं ना डायमिथाइल स्क्वायर प्लेनर एक मिनट हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है स्क्वायर प्लेनर है फिर इसने देखो यहाँ पे रेड कॉम्प्लेक्स है तो ये तो नहीं हो सकता ना क्योंकि पहले ही हम मान गए हैं कि वो तो तो होता होता भी square है तो होता, तो है है ठीक नहीं इसका इनमें से आप निकाल लो कि डायमेग्नेटिक कौन सा है जहाँ पे भी अनपेयर नहीं होंगे वो आपको बता देना है ठीक है इनमें से यही है कि एक डी फोर कन्फिग्रेशन एक डी फाइव है डी सिक्स है सेवन है आपको मिनिमम मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है वही रिपीट हो रहे हैं तो आप उनको कितना भी लिख लो तो अब आप मैं आपको कोई नया क्वेश्चन बताती हूँ कि नया क्वेश्चन इनमें से कौन सा है ठीक है hmm. अब इनमें तो कन्फ्यूज नहीं हो रहे ना कि ये जो पेयरिंग एनर्जी क्या है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पेयरिंग के लिए जितनी एनर्जी लगती है ना उसको प्लस भी किया जाता है पर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे जाते नहीं है पर आपको वैसे पता होना चाहिए ये सेम क्वेश्चन है कोई इनमें नई बात नहीं वही पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पूछा गया है ठीक है जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि क्रोमियम है ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है आपके पास मैगनेटी मतलब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने चाहिए ऐसा किस में है वो आप देख लो पहली बात तो ठीक है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो D तब भी तीनों यूज होंगे तो वो कौन सा एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स या एक्स जेड जिसको आप बोलते हो तो तीन अनपेड किसमें हैं ये रहे एक 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 ये रहा इसमें इसमें और ठीक है D1 पर क्योंकि इन्होंने ऑर्बिटल चेंज कर रखे हैं ना बच्चों यहाँ जेड स्क्वायर लिखा हुआ या वाई जेड लिखा हुआ है या एक्स वाई लिखा हुआ है ये गलत है ऑर्बिटल ही गलत लिखे हुए हैं तो ऑर्बिटल सिर्फ इसमें ठीक लिखे हुए हैं एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स ठीक है तो ये इसका करेक्ट आंसर है और सब में सेम है आपको हाइब्रिडाइजेशन हो रही है सब कुछ बतानी है ये क्वेश्चन बहुत रैंडम रिपीट होता है निकल वाला मैंने सबकी निकलवा दी है तो ये आप इसको जरूर एक बार अच्छे से देख लेंगे और सब का सेम है ये क्वेश्चन भी मैंने बता दिया ऑक्ट्रा जो है उसमें जी जो डी ऑर्बिटल है ये डी कौन से होते हैं तो एक्स स्क्वेयेर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर पहला ही ऑप्शन करेक्ट है ठीक है अनपेड इलेक्ट्रॉन ये सेम आप करोगे तो आपको पता है यही चीज़ रिपीट होगी ठीक है तो यही बच्चों आपको क्वेश्चन करने हैं और सारे रिपीट हैं पर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ठीक है क्या करें?